एवरीवन वेलकम एंड नमस्ते, मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रियो की खिचड़ी की रेसिपी। रियो अभी 23 मंथ्स का है और ये वाली रेसिपी मैं उसको आफ्टर 8 मंथ्स ही दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीस आलू लिए हैं, 1 अदरक लिया है थोड़ा सा ग्रेट करके, एंड ग्रीन बीन लिया है 1, उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है पपीता। पपीता लेने का रीज़न है, रियो का पॉटी आजकल बहुत टाइट हो चुका है, तो इसको थोड़ा लूज़ करने के लिए पपीता या फिर पका हुआ मैंगो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं घर के थोड़े बहुत नुस्खे जो होते हैं घरेलू नुस्खे वो मैं करती हूँ। और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा कैरेट लिया है, स्लाइसेस में काट लिए हैं। तो आपकी बेबीज़ को अगर पॉटी टाइट का इशू है तो आप लोग पके हुए आम या फिर ये पपीता देख के ट्राई कर सकते हैं, मे बी इट विल वर्क। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल को भिगा दिया था, तो देखिए 1 घंटा पहले ही भिगाया था। यहाँ पे मैंने लिया है चावल, मसूर दाल और थोड़ा सा चना दाल, मतलब अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं मूंग दाल नहीं दे रही हूँ। मूंग दाल से गैस का प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं मूंग दाल को अवॉइड कर रही हूँ। जब भी गर्म होता है मैं मूंग दाल नहीं देती हूँ। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं, आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंगली बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, ये कुकर 1 लीटर का है, ये रियो के राइस सेरेमनी में मिला था, रियो मतलब मेरी एक मासी ने दिया था। तो यहाँ पे मैं तड़के में घी ले रही हूँ और आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, पर मैं घी में तड़के लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है 5 फोड़न तड़के के लिए, एकदम थोड़ा सा 1 पिंच जैसा, मतलब मेथी फिर काला कलौंजी और जीरा ये सब था तो एकदम थोड़ा सा 1 पिंच ही लिया है। एंड यहाँ पे मैं डालूँगी तेज़पत्ता, एकदम छोटा सा 1 पीस लिया है, पूरा तेज़पत्ता नहीं लिया है। अभी इनको थोड़ा सा भुनेंगे, घी में दिया है तो ज़्यादा नहीं भुनना है, मतलब जलाना नहीं है, बस कलर उसका गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैं ऐड करूँगी ग्रेट किए हुए अदरक। पहले मैं अदरक या तेज़पत्ता नहीं देती थी क्योंकि अभी रियो 23 मंथ्स का हो चुका है, तो अभी मैं उसका टेस्ट चेंज करने के लिए मैं कभी कभार अदरक या तेज़पत्ता दे देती हूँ, मैं हमेशा नहीं देती। और ये वाली खिचड़ी आप अपने बेबी के 6 मंथ के बाद भी दे सकते हैं। पहले मैं चावल की जगह पे दलिया लेती थी, एंड जब रियो का 1 साल हो गया था उसके बाद में मैंने उसको चावल देना शुरू किया था। उसके पहले मैं ऐसे सेरेलेक या फिर दलिया देती थी, मैंने उसको राइस नहीं दिया। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल के पहले चावल इंट्रोड्यूस ना कराए तभी तो ही अच्छा है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट है वो पेट को बड़ा कर देता है। तो मैंने उनके बात को मैंने भी मतलब नेट में सर्च किया था तो मुझे उनकी बात सही लगी, एंड मैंने 1 साल तक चावल अवॉइड किया था। उसके बाद में मैंने उसको चावल देना शुरू कर दिया है। तो अभी इन सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा भुनेंगे, एंड इसमें मैं 1 पिंच एकदम हल्दी और 1 पिंच जीरा पाउडर और एकदम 2 पिंच से भी कम थोड़ा सा नमक। नमक आप बिल्कुल कम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नमक ज़्यादा देके खाना बनाएंगे उसका अगर परफेक्ट टेस्ट अगर बेबी के मुंह पे आ जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, कम नमक से वो खाना नहीं खा पाएगा, उसको टेस्ट नहीं लगेगा। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि बेबी के खाने में चीनी या फिर नमक बहुत कम दे। अभी मैंने इन सब को अच्छे से थोड़ा मिला लिया था, उसके बाद में मैंने ऐड कर दिया पानी। अभी इन सब को मैं अच्छे से मिलाऊँगी एंड कुकर का ढक्कन लगा के 2 या 3 सीटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। इसको बनने में 5-10 मिनट लग जाता है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे आपको मतलब थोड़ा टाइम लगता है, पर क्या होता है सब्ज़ी दाल चावल अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। तो देखिए ये फटाफट से बन जाता है, एंड मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद में मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है, मैं लेट खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड मैंने जीरा दिया था, जीरा पाउडर से आप लोगों को मतलब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीरा तो अच्छा नहीं, जीरा में भी बहुत कुछ होता है, जीरा डॉक्टर भी बोलते हैं जीरा देने के लिए, जीरा से हमारा डाइजेशन लेवल भी अच्छा हो जाता है जीरा। तो देखिए यहाँ पे एकदम कलरफुल नहीं बना है, ऐसे ही होना चाहिए बेबीज़ का खिचड़ी, कलरफुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनके लिए, क्योंकि ना ही उनका डाइजेशन लेवल हम बड़ों जैसा है और ना ही वो लोग इतना चबा चुबा के खा पाते हैं हमारे जैसे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड ये 1 बार का ही खिचड़ी था, पर अभी समर है ना तो रियो बहुत कम खा रहा है गर्मी की वजह से, और गर्मी की वजह से हम बड़ों का ही खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो बच्चे तो और भी गर्मी में उनको ज़्यादा गर्म लगता है।
तो चलिए मैं तो कोशिश करूँगी रियो को खिलाने के लिए। और बच्चे अगर नहीं खाना चाहिए आप लोग फोर्स मत करिएगा, थोड़ा टाइम बाद फिर से ट्राई करिएगा, शायद फिर से दो चम्मच खा ले।